हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको MX Player की कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जो आपको MX Player की बाप बना देंगी। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने टेक चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इसको सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यहाँ से वीडियो को लाइक भी कर देना। तो दोस्तों चलिए आज के अपने वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपना MX Player खोल लेंगे, जो हमारी फर्स्ट ट्रिक है। उसमें दोस्तों आप अपने चाहते हैं कि मेरा वीडियो और कोई नहीं देखे। मान लीजिए कि आप कोई पब्लिश प्लेस में अपना वीडियो ओपन करके देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो का साउंड कोई और को सुनाई न दे और मैं वीडियो को इजीली देख लूं और किसी को शक भी ना हो कि मैं कौन सी वीडियो देख रहा हूं। सो दोस्तों तो आपको कोई भी अपना वीडियो ओपन कर लेना है, जिस किसी भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं। ओके, तो जैसे मैं किसी पर आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, जैसे किसी पर मान लीजिए मैं यहाँ से किसी पर भी दिखा देता हूँ, जैसे देख लीजिए यहाँ से इस पर मैं करके दिखाता हूँ। पहले तो आप इसका ओरिजिनल साउंड देख लीजिए। तो देख लीजिए ये रहा वीडियो का ओरिजिनल साउंड, और बताऊंगा कि कैसे आप इसमें अदर साउंड लगा सकते हो ताकि आप किसी को शक ना हो कि ये बंदा कौन सा वीडियो देख रहा है, ताकि आपका वीडियो ये वाली इस वाली वीडियो का साउंड म्यूट हो जाए और जो आप अदर साउंड लगाने चाहते हो उसका सुनाई दे। तो ओके, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ओपन कर लेना है, किसी भी वीडियो को जिस वीडियो पर आप करना चाहते हो। ओके, वीडियो को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख जाएगा ऊपर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक करने के बाद आपको यह इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें आपको ऑडियो पर क्लिक कर देना। देखिए ऑडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए मैं ओपन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पर मेरे फाइल में चला जाता है। यहाँ पर मेरा देखिए ये सब गाना है, तो इसमें से किसी को भी मैं लगा कर दिखाता हूँ। तो देखिए मैं इस मिलेगी को लगा कर दिखाता हूँ। अब दोस्तों जैसे ही मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ, तो दोस्तों आप सुन रहे होंगे कि मेरा जो साउंड था वो चेंज हो गया और जो अदर साउंड था वो लग गया है। और दोस्तों इससे क्या होता है कि अगर आप कोई भी वीडियो लगा कर देखते हो तो किसी को शक नहीं होगा, सोचेगा कि बंदा यही सांग सुन रहा है, गाना सुन रहा है, यही वाला जो बज रहा है। ओके, और आप अदर वीडियो देख रहे होते हो। तो दोस्तों चलिए आज के अपने दूसरे ट्रिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्या होता है कि अगर आप किसी बच्चे को दे देते हो अपना फ़ोन MX Player पर लगा कर, तो बार बार काट देता है, आगे पीछे भगा देता है वीडियो के यहाँ से। जैसे किसी भी देखिए मैं खोल कर दिखाता हूँ, तो यहाँ से वो काट देता है या फिर आगे पीछे इस तरह काटता रहता है यहाँ पर। तो मैं बताऊंगा कि कैसे आप प्रोफेशनल लॉक लगा सकते हो और कैसे इफ़ेक्ट दे सकते हो, जैसे कि सिर्फ आप ही खोल सकते हो। ओके, तो आपको करना क्या है, यहाँ से अपने MX Player के होम में चले आना है, फिर यहाँ पर सेटिंग में चले जाना होम में MX Player के। ओके, MX Player के देखिए यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर आपको इसमें सेटिंग दिख जाएगी। देखिए सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको प्लेयर दिख रहा होगा। प्लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, फिर आपको ऊपर ही कंट्रोल्स नाम का दिख रहा होगा ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए लॉक मोड ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा लॉक मोड। आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है, यहाँ नीचे जो आपको दिख रहे हैं ऑप्शन, इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर ही आपको लॉक मोड दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है लॉक पर। फिर लॉक पर क्लिक करने के बाद आपको 3 लाख देखने को मिलेंगे। पहले तो लॉक है, फिर किड्स लॉक, फिर किड्स लॉक प्लस टच इफेक्ट। तो हम टच इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, किड्स लॉक प्लस टच इफेक्ट, इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। अब दोस्तों मैं आपको अपना एक गाना बजाकर दिखाता हूँ कैसा इफेक्ट आने वाला है इसका। तो दोस्तों ये रही मेरी वीडियो, इसको मैं बताता हूँ। देखिए जैसे ही आप इसको दोस्तों जैसे ही आप इसको किसी बच्चे या फिर किसी को देते हो जिसको नहीं चलाने आता है, बार बार आपके स्क्रीन को काट देता है या फिर आवाज़ तेज मज़िन करता रहता है, तो मैं बताता हूँ कैसे इसको करना है। यहाँ पर जैसे ही आप लॉक करते हो तो देखिए यहाँ पर वो क्लिक करेगा, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, बस आपको यहाँ पर टच इफेक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए कितने ब्यूटीफुल इफेक्ट्स आपको बस देखने को मिलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ कि इसको आपको कैसे करना है टच। यहाँ पर चारों कॉर्नर पर आपको एक साथ प्रेस करना है। तो दोस्तों देखिए मैं कर दिया। देखिए जैसे ही आप चारों कॉर्नर पर क्लिक करते हो एक साथ बारी बारी से, तो आपका लॉक एकदम ईजिली तरीके से खुल जाता है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, खोल कर देखिए खुल गया।
आई होप दोस्तों आपको ये दोनों ट्रिक अच्छी लगी होंगी और आपके लिए यूजफुल होंगी। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।